तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले असम राइफल टेक्निकल ट्रेडमेंट रैली रिक्वायरमेंट की। यहाँ पर 5 मई को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें मैं बताऊँगा कि आपको पेमेंट कितना लगेगा, कब तक इसका लास्ट डेट है और कैसे इसका ऑनलाइन होगा फॉर्म या ऑफलाइन होगा और इसका कब तक इसका अंतिम तिथि, मैं इसमें संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक वेबसाइट रिजल्ट भारत वेबसाइट यहाँ पर ओपन किया हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं शॉर्ट डिटेल यहाँ पर समझाता हूँ। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हूँ। तो जैसा कि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर नोटिफिकेशन ये वाला है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सभी डिटेल यहाँ पर दिया है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर 20 जुलाई 2022 तक इसका अंतिम तिथि है, जो कि स्टार्टिंग हुआ यहाँ पर 6 तारीख से, यहाँ पर 6 जून 2022 से इसका स्टार्ट होगा एप्लीकेशन। चलिए मैं इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में इसको नोटिफिकेशन क्या क्या है। जैसे यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर इस वाले वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखा ट्रेडमैन के लिए, यहाँ पर टेक्निकल के लिए। तो यहाँ पर आप जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर फी देखेंगे तो 200 रुपया है यहाँ पर, और ओबीसी ग्रुप सी के लिए यहाँ पर 100 रुपया, यानी कि बी के लिए 200 रुपया और सी के लिए 100 रुपया। यहाँ पर एस सी एस टी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 0, यानी कि कोई इसका पेमेंट नहीं लगने वाला है। यहाँ पर इसका लास्ट डेट की बात किया जाए तो यहाँ पर 6 जून से यहाँ पर स्टार्ट होगा और 22 जुलाई 2022 तक इसका रजिस्ट्रेशन लास्ट होगा। साथ में यहाँ पर एज की बात किया जाए तो एज लिमिट के यहाँ पर कम से कम 18 साल आपको एज होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए, जिसमें आपको एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा और जो ओबीसी कैटेगरी होंगे उनको 3 साल के लिए छूट दिया जाएगा। और जो यहाँ पर एज लिमिट लगाया गया है 1/8/2022 के अनुसार यहाँ पर आपको 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पर वैकेंट पोस्ट यहाँ पर आपको टोटल 1380 पोस्ट यहाँ पर दिखाया गया है। साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कौन सा पोस्ट किसके लिए अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको पोस्ट यहाँ पर 17 पोस्ट किसके लिए है और यहाँ पर यहाँ देख पा रहे हैं कि रोड ब्रिज रोड बोथ मेल या फीमेल के लिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर दिखाया गया 17 पोस्ट है और क्लर्क बोथ मेल या फीमेल के लिए यहाँ पर टोटल 287 पोस्ट है। जो यहाँ पर पोस्ट के अनुसार यहाँ पर सभी प्रिफरेंस दिया गया है, कितने क्वालिफिकेशन होगा, क्या क्या होगा, यहाँ पर क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर रिलीजियस टीचर की बात किया है तो मेल या फीमेल के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट है टोटल और ऑपरेटर रेडियो लाइन के लिए यहाँ पर पोस्ट दिखाया गया है। तो यहाँ पर इनके लिए टोटल 18 से 25 यहाँ पर एज लिमिट है, जिसमें 729 यहाँ पर पोस्ट दिखाया गया है। यहाँ पर रेडियो मैकेनिक की बात करें तो रेडियो मैकेनिक यहाँ पर 72 पोस्ट है और एयरमोरर का यहाँ पर पोस्ट दिखाया गया है। तो यहाँ पर एयरमोरर में यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर टोटल है यहाँ पर 13 पोस्ट है। तो इस तरह से अपने यहाँ पर जो भी डिटेल यहाँ पर दिया गया है, रीड करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर कौन कौन से स्टेट के लिए यहाँ पर कब आने वाला है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही ये सब स्टेट का आने वाला है जो यहाँ पर मैं दिखाया हूँ इस पोस्ट पे, तो इसी वाले सभी स्टेट का आने वाला है, जिसमें यहाँ पर जल्द ही यहाँ पर नोटिफिकेशन का लिंक यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। यहाँ पर फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए जेंडर मेल फीमेल के लिए यहाँ पर टोटल यहाँ फिजिकल की बात किया जाए तो फिजिकल यहाँ पर दिखाया गया है कि मेल के लिए 170 CMS और इसके बाद फीमेल के लिए 57 CMS, इसके बाद 80 एक्सपेंडेड एंड 85 CMS होना चाहिए। यहाँ पर ST की बात की जाए तो ST यहाँ पर आप पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फॉर वारंट ऑफिसर के लिए देख पाएंगे यहाँ पर फिजिकल, तो यहाँ पर आप पूरा रीड कर सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फिजिकल इफिशियंसी की बात करते हैं, फिजिकल टेस्ट के लिए, PET के लिए, तो यहाँ पर मेल के लिए यहाँ पर 5 किलोमीटर यहाँ पर आपको 24 मिनट में और यहाँ पर फीमेल के लिए 1.5 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकेंड में करना है। लद्दाख रिलीजन के लिए यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर सभी डिटेल यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। पे स्केल की यहाँ पर बात किया है तो पे स्केल यहाँ पर एज पर रूल के अनुसार होगा, जो भी सिलेक्शन होगा उसके अनुसार यहाँ पर रिटेल स्किल यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस है। यहाँ पर फिजिकल टेस्ट, रिटेन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट एंड मेरिट लिस्ट, इसके बाद यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिया गया है। तो इस तरह से अपना यहाँ पर सारा डिटेल संक्षिप्त में देख सकते हैं। अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये वाला वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे नोटिफिकेशन। वैसे मैं इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप नोटिफिकेशन को पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। तो अगर मन में किसी भी तरह का सवाल होगा इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।